हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज एसएससी एमटीएस का जो है आपका 2 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा ईजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। आप इजली जो है दोस्तों 75+ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के आज जो आपके 2 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में जो आपको बेल आइकन का भी बटन दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो देखिए, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी ये 1925 में किया गया था। तो 1925 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गुरजीत कौर जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, गुरजीत कौर जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है, तो हॉकी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि GST काउंसिल में जो है कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, GST काउंसिल में जो है 33 टोटल सदस्य होते हैं, तो 33 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर GST का फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो GST का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों यहाँ पे कि 19वें कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी। तो 19वें जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे ये लाल मोहन घोष ने किया था, तो लाल मोहन घोष जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए दोस्तों कि 19वें कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 19वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड राज्य का त्यौहार है, तो नागालैंड जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो देखिए, भारत के जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि भारत के जो अभी वर्तमान में CJI कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका जो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में। तो देखिए, भारत के जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में वो निर्मला सीतारमण है, जो कि पिछले रक्षा मंत्री भी रही थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वित्त मंत्री जो वर्तमान में है वो निर्मला सीतारमण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों किर्गिस्तान का जो है आपका PM के बारे में पूछा गया था कि किर्गिस्तान के जो है PM कौन है। तो देखिए, PM जो है किर्गिस्तान के ये मोहम्मद कलवी एबेलजेईब हैं, ठीक है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो आप नाम पढ़ लो, ठीक है, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि नामेरी नेशनल पार्क जो है ये कौन से राज्य में है। तो देखिए, नामेरी नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य में है, तो असम जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि सूरजकुंड झील जो है ये किस राज्य में है। तो सूरजकुंड झील जो है ये आपका हरियाणा राज्य में है, तो हरियाणा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत का तोता जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का तोता जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो अमीर खुसरो जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, जो भी कमेंट में अगर ख़राब बोलते हैं तो आप समझ जाना कि कोई YouTube चैनल वाला है, ठीक है, वो जो है दूसरे से जलते हैं। आपको भी पता है कि लोग जो है अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो वो ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको 100% और रियल क्वेश्चन ही दूंगा। बस आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है,
बस आपको इतना काम कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। और आपको बता दें दोस्तों कि यह जो आंदोलन है महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो है मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये भी जो आपको याद रखना है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो है ये अधिवेशन शुरू आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि सरस्वती सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए सरस्वती सम्मान जो है आपका लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो लिटरेचर यानी साहित्य जो है आपका राइट आंसर हो जाता। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है ये सम्मान दिया जाता है। और अगर पूछा जाए दोस्तों आगे के शिफ्टों में कि 2018 में जो है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो 2018 में जो है ये के शिवा रेड्डी को दिया गया है जो कि उनकी पोएट्री कविता कलेक्शन पकाकी के लिए जो है इन्हें दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ये कपास उत्पादन यानी कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित है। तो कपास उत्पादन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि 100 मीटर गोल्ड एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 जो है ये किसने जीता है। तो देखिए विश्व में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं 2019 में जो हुआ था उसमें 100 मीटर में जो गोल्ड जीती थी वो दूती चंद जीती थी। तो दूती चंद जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि जीडीपी में जो है कृषि का कितना योगदान है। तो देखिए जीडीपी में जो कृषि का योगदान रहा है वो 17% रहा है। तो 17% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए दोस्तों कि जीडीपी में जो है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में जो है कितना योगदान रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र में ही रहा है 53.66%। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पर आता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है 31% जो है जीडीपी का योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि हाल ही में जो है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो है किस शहर को जोड़ा गया है। तो देखिए हाल ही में पूछा गया है, तो हाल ही में जो आपका जयपुर हो जाएगा 2019 का अगर पूछा गया होगा तो जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 2017 का पूछा गया होगा दोस्तों तो अहमदाबाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 2018 का पूछा गया होगा तो मुंबई का विक्टोरियन जो है फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि ब्रिक्स का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए ब्रिक्स का ब्रिक्स में जो है बेसिकली 6 देश हैं, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। तो बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से आपका रसिया हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी से आपका चाइना हो गया, एस से आपका साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये संघाई चाइना में है। तो संघाई जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि यूटीआई बैंक को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यूटीआई बैंक को जो है 2007 में जो इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। तो एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है कि एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन हैं ये श्री राकेश मखीजा हैं। और सीईओ की बात करें दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है एक्सिस बैंक के, ये अमिताभ चौधरी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि कोयले की खदान से जो है कौन सी गैस निकलती है। तो कोयले की खदान से जो है दोस्तों ये मीथेन गैस निकलता है। तो मीथेन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि श्वसन नली की जो है ऊपरी सिरा क्या कहलाता है। तो देखिए श्वसन नली का जो ऊपरी सिरा होता है उसे हम लोग फायरनिक्स कहते हैं, ठीक है, तो फायरनिक्स जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो है वायु परिवहन की जो शुरुआत की गई थी ये 1911 ईस्वी में की गई थी। तो 1911 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज दो नृत्यों से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों ऑल शिफ्ट मिला के। गोवा का लोक नृत्य पूछा गया था, तो फुगड़ी जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। उड़ीसा का नृत्य कौन सा है, तो उड़ीसी जो है इसका लोक नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है रूस से क्या लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है कौन से देश से, तो रूस देश से। तो मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है ये तराइन का युद्ध हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है वो पूर्व नेवी चीफ सुशील कुमार है। तो सुशील कुमार जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद ओला मनी के सीईओ के बारे में पूछा गया था दोस्तों कि कौन है वर्तमान में। तो ओला मनी के जो सीईओ हैं वर्तमान में वो नितिन गुप्ता हैं। तो नितिन गुप्ता जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों करेज का जो है वो सिनोनिज्म पूछा गया था। तो देखिए करेज का जो सिनोनिज्म होता है इसके हिंदी में आपको याद रखना है दोस्तों कि जैसे करेज मतलब किसी की चीज़ को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसका जो आपका सिनोनिज्म होता है दोस्तों वो बोल्ड होता है, ठीक है। तो बोल्ड या ब्रेवरी जो भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता है। या तो बोल्ड दिया होगा या तो ब्रेवरी दिया होगा, ठीक है। ब्रेवरी मतलब बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कैपेबल का जो है सिनोनिज्म पूछा गया था। तो कैपेबल का जो सिनोनिज्म होता है वो एबल होता है। एबल मतलब योग्य, मतलब किसी काम को करने के लिए वो उसमें योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आया था दोस्तों 36 109 दिया हुआ था 25 और नेक्स्ट जो है क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 × 3 + 1 कर रहे हैं तो 109 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 25 को जो हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो 75 + 1 हमारा क्या आएगा 76 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था रीजनिंग से दोस्तों गुफा में जो है शेर रहता है। तो ऑप्शन मुझे मिला नहीं था कि बच्चे बता रहे थे, बस यहाँ यही बताया कि गुफा में शेर था। तो मान लो दिया होगा कि गाय में जो गौशाला में जो है गाय रहता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों वेन डायग्राम से। तो देख सकते हैं कि चूहा लकड़ी और कार का जो है वेन डायग्राम पूछा गया था। तो देखिए इसका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है दोस्तों। तो इसका जो वेन डायग्राम होता है चूहा का इस तरह होता, लकड़ी का ऐसे और कार का ऐसे। ऐसे जो जिन्होंने भी वेन डायग्राम बनाया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों 37 का फैक्टोरियल में जो है जीरो की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए 37 के फैक्टोरियल में जो जीरो की संख्या होती है वो 8 होता है, ठीक है। तो 8 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इजीली निकालने का तरीका दोस्तों कि आप जो है डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दो तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 7 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है भागफल को जोड़ देते हैं तो 7 + 1 हमारा क्या आएगा 8 आएगा।